क्यों नहीं डरे ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत डरने वाले हो, लेकिन सबसे बड़ा सॉरी क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा कैमरा कहीं गुम हो गया था। नहीं, सच बात कह रहा हूँ, कैमरा कहीं गुम हो गया था। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक भूत की कहानी जो आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यार उससे पहले, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में बेल आइकन है उसको भी ऑन कर देना। यार वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग आएगी, आपको बहुत ही एंटरटेन होगा। सो इस चैनल पे आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही फ्रेंड्स रिवील करने के बाद, ये मेरा दूसरा वीडियो है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ता हूँ इस डरावनी कहानी की तरफ। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था और उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, यानी कि वो भूत को मानता ही नहीं था, वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम ही मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण उसे घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई थी, और उसका बाइक से आता था तो कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद एक उसे बस स्टॉप दिखा जहाँ वह रुक गया और उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था और वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की आदत थी कि किसी भी से बात ऐसे ही कर लिया करता था। वह साधु से भी बात करने लगा और बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को नहीं मानते लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, यह सब कुछ होते। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को स्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करने के आगे बढ़ता रहा। और फ्रेंड्स कुछ देर के बाद वह स्मशान घाट पहुंच गए। स्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी और साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जल रही थी, और साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा, और अब उस लड़के को हद से जाग रहा था और उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को चार जगह पर रख दिया, सारे बतासे उस धागे की पास ही की जो एक लाइन में रख दिए, और उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसके खाने को आएगी और जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। और फिर भी साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा, फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उससे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर चार आत्माएं आ गई थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले जो व्यक्ति है उसकी आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से स्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा, और जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया, फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख
उसी स्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार ही रहने लगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज मुझे यार कमेंट में बताना। ये कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। आपको ऐसी कहानी ज़्यादा सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में भी आपको बताना मुझे बताना कि आपको एक कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी दूसरी लेके आओ। चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।